नमस्कार दोस्तों, निर्देशक हंसल मेहता की कामयाब सीरीज स्कैम 1992 की अगली कड़ी स्कैम 2003 की शूटिंग अब जाकर शुरू होने वाली है। पिछले साल मार्च में घोषित हुई इस सीरीज के लिए हंसल मेहता ने अपनी पिछली सीरीज की तरह ही एक नया चेहरा खोज निकाला है। स्कैम 1992 को इसमें लीड रोल करने वाले प्रतीक गांधी के अभिनय से बहुत मदद मिली और वह रातों रात डिजिटल स्टार भी बन गए। अब हंसल मेहता ने फिर से अपनी नई सीरीज के लिए रंगमंच का रुख किया और महीनों की खोजबीन के बाद अपनी नई सीरीज स्कैम 2003 के लिए एक नया चेहरा खोज निकाला है। इस बीच इस सीरीज में नया मोड़ आया है कि इस सीरीज का निर्माण सोनी एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन कंपनी स्टूडियो होस्ट करेगी और हंसल मेहता अब इस सीरीज के निर्देशक न होकर सिर्फ शो रनर होंगे। स्कैम 2003 महाराष्ट्र के चर्चित स्टाम्प घोटाले पर आधारित है और ये सीरीज पत्रकार संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी में दर्ज किस्सों के हिसाब से बन रही है। अपने ऐलान के वक्त इस सीरीज का नाम था स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी। अब यह सीरीज स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के नाम से जानी जाएगी। ये कहानी है उस कुख्यात अब्दुल करीम तेलगी की जिसने देश में फर्जी स्टॉम्प पेपर आपूर्ति करने का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया था और करेंसी छापने वाली एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन को कबाड़ में खरीदकर अपने एक कारखाना भी महाराष्ट्र में लगा लिया था। इस मामले की जांच के दौरान उस समय के एक सुपरस्टार की पत्नी और सूबे के एक कद्दावर नेता का नाम भी जांच में सामने आया था। ये नेता महाराष्ट्र की सत्ता सिंह पार्टी में किसी न किसी तरह शामिल हो जाने के लिए जाना जाता है। कर्नाटक के खानपुर में पैदा हुए अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी सात्विक दिमाग लगाकर जो ये अनोखा घोटाला किया था उसमें 20,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पाया गया था। इस सीरीज को लिखने के लिए मराठी सिनेमा के चर्चित लेखक यज्ञोपवीत को साइन किया गया है। संजय सिंह भी लेखन टीम का हिस्सा रहेंगे। सीरीज का निर्देशन अब तुषार हीरा नंदिनी करेंगे। सीरीज में तेलगी का रोल निभाने के रंगमंच कलाकार गगन देव रियार का नाम फाइनल किया गया है और उनका पहला लुक भी मंगलवार को जारी कर दिया गया। सीरीज के ऐलान के वक्त हंसल मेहता इसकी शूटिंग बीते साल ही शुरू करने वाले थे। तब उनका कहना था, एक और घोटाले की कहानी दर्शकों के सामने लाने के लिए मैं अभी से बहुत उत्साहित हूँ। देशवासियों की अतीत की इन आर्थिक अपराध कथाओं में बहुत दिलचस्पी है। ये बात हर्षद मेहता पर बनी सीरीज से साबित हो चुकी है। अब हम सब मिलकर एक नई कहानी पर काम शुरू करने जा रहे हैं और मैं इस प्रोजेक्ट के लेकर बहुत उत्साहित हूँ। हंसल मेहता ने ही अभिनेता प्रतीक गांधी की किस्मत बदल देने वाली वेब सीरीज स्कैम 1992 बनाई थी। इसकी गिनती हिंदी मनोरंजन जगत की सबसे अच्छी क्राइम वेब सीरीज में होती है। देश में हुए इस सबसे बड़े शेयर घोटाले की इस कहानी को हकीकत में काफी करीब से रखते हुए निर्देशक हंसल मेहता ने ओटीटी पर एक नया ट्रेंड भी शुरू किया। तेलगी घोटाले को सीबीआई जांच करने वाले देश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार से भी कुछ निर्माताओं ने मुलाकात की थी, लेकिन सोनी लीफ की सीरीज इस घोटाले के महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर ज्यादा केंद्रित रही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।